आज का वीडियो में बात करेंगे लहसुन की खेती में हमें खाद का प्रबंधन कब करना चाहिए। तो मैं संजय ठाकुर, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। किसान भाई, वो आम जनरल जो किसान भाई की प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी आप लहसुन की खेती करते हैं तो जब लहसुन बोते हैं, लहसुन बोने के बाद जब पहला पानी आप देते हैं, उस समय हमारे किसान भाई खाद डालते हैं। ये जनरली गाँव की 90% किसान भाइयों की प्रैक्टिस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें एक सुधार अगर हम करते हैं तो आप जितना भी खाद प्लांट को लिए देते हैं वो 100% पौधे को मिलता है। इसमें करना क्या है, जनरली देखिए होता क्या है कि जैसे आपने कोई DAP डाला या 12-32-16 डाला, तो इसमें जो फॉस्फोरस है वो फॉस्फोरस हमारी मिट्टी के अंदर जाना चाहिए। कहना का मतलब ये कि जो जड़ क्षेत्र है, जो हमारी पौधे की जड़ क्षेत्र है, उसके साथ मिलना चाहिए। तो जनरली हमको करना क्या है कि जब भी आप लहसुन की खेती की खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो खेत की तैयारी करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जो आप रोटावेटर करते हैं, बहुत सारे किसान भाई रोटावेटर करते हैं, कुछ किसान भाई पंजा लगा के भी लहसुन बो देते हैं। तो यदि आप रोटावेटर कर रहे हैं या पंजा लगा रहे हैं, तो उसके पहले आपको खाद का प्रबंधन करना है। क्यों करना कि देखिए कोई भी पौधे की अगर जड़ हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये जड़ क्षेत्र है, अब ये जो जड़ है ये जड़ हमारी हमेशा नीचे जाती है और जो फास्फोरस है वो फास्फोरस मिट्टी के ऊपर पड़ा रहता है, जहाँ वो गया वहीं मिट्टी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। अब चूँकि फास्फोरस है, फास्फोरस की मोबाइल नहीं होती, मिट्टी के अंदर मोबाइल नहीं होता है, मतलब वो चलता नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि जो आप जो जड़ है वो नीचे जा रही है और आपका जो फास्फोरस है वो मिट्टी के ऊपर पड़ा है। तो कहने का मतलब ये जो जड़ है ये ऊपर नहीं आएगी, जड़ नीचे जाएगी और खाद को भी नीचे जाना चाहिए। तो यदि आप रोटावेटर के पहले अगर आप खाद देते हैं, उस समय आप जब रोटावेटर करते हैं वो 4 इंच के अंदर आपका नीचे चला जाएगा, फिर आप उसको लहसुन बोते हैं, बोने के बाद आप पहला पानी देते हैं। अब जैसे ही पहला पानी आप देंगे तो जो फास्फोरस है वो आपका घुलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर आप ये प्रैक्टिकल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो लास्ट ईयर का अनुभव रहा है रोटावेटर के पहले का खाद देने का, और यदि बोने के पहले आप खाद दे रहे हैं और उसके बाद आप पानी देने के पहले, तो दोनों में आपको बहुत फर्क आपको दिखेगा। तो करना हमको ये है कि जब भी आप कोई भी खाद प्रबंधन करें और ख़ासकर आप लहसुन की फसल लगा रहे हैं, तो लहसुन की फसल में आप रोटावेटर या पंजे से पहले आपको खेत में इसका उपयोग करना है। यदि इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।